सर कैसे हैं आप? जी आराम, ठीक ठाक है सर। आप अपना तारीफ करवा दें और थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताएं। माशाल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ी अच्छी चीज़ें आपने ऑर्गेनाइज़ की हैं जी, तो थोड़ी सी डिटेल हमारी। मैं चौधरी मोहम्मद अफसर जी, प्रिंसिपल चांदबाग स्कूल। जी सर। चांदबाग स्कूल जो है वो 1998 में ये कायम हुआ। जी सर। और पहले प्रिंसिपल मिस्टर एंड्रयू मैकलेहोस थे, जिनकी सरबराई में पहला बैच ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे उन्होंने शुरू किया। इस साल हम अपना 25वां सिल्वर जुबली मना रहे हैं, 25वां इस साल है ये। और ये सेकंड हमारा नेशनल राइस फेस्टिवल है। ठीक है सर। तो नेशनल फेस्टिवल राइस फेस्टिवल मुनक़द करने का मकसद ये है कि एक तो बच्चों की आप ये देख रहे हैं कि इस दफ़ा कुकिंग कॉम्पिटिशन भी हो रहा है, राइस कुकिंग कॉम्पिटिशन जबरदस्त, जिसमें 20 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह हमारे अपने बच्चों के लिए ये एक तफरी का सामान भी है। जी सर। जैसे बच्चे झूले ले रहे हैं और बाकी अपनी जो, उसके साथ साथ ये जो चावल के मुख्तलिफ अकसाम हैं उनकी यहाँ पे डिस्प्ले भी किया गया है। काला शाका को जो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्होंने इसका बंदोबस्त किया है, वो मुख्तलिफ उसके ऊपर ब्रीफिंग्स भी दे रहे हैं। तो जो बुनियादी मकसद है कि बच्चों को एक तफरी का सामान मुहैया किया जाए और उसके साथ साथ जो हमारी एक नेशनल प्रोडक्ट है जिससे हम राइस से हम सबसे ज्यादा ज़र मुबादला कमाते हैं, उसको मजीद प्रमोट किया जाए, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको प्रमोट किया जाए। जैसे आज हमारे बेल्जियम से दोस्त तशरीफ लाए हुए हैं जो कि राइस को प्रमोट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस हवाले से भी जो राइस की प्रमोशन है नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे भी आज हो रही है। माशाल्लाह बेहतरीन सर, काफ़ी हमने देखा है कि बहुत लंबा चौड़ा ये सारा सिस्टम है, कितने एकड़ पे है सर ये? चांदबा स्कूल का जो टोटल रकबा है वो 500 एकड़ है, 500 एकड़ और 200 एकड़ के ऊपर ये चार दीवारी के अंदर स्कूल है। ठीक है। और बाकी 300 एकड़ जो है वो एडजेसेंट टू बाउंड्री वॉल है जी। वहाँ पे हमारे जो फार्म हाउसेस हैं, इसी तरह हम अपने बच्चों को जो दूध मुहैया करते हैं वो भी अपने डेयरी फार्म से आता है। जबरदस्त सर, जो आपका स्कूल है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के मुतल्लिक थोड़ी सी डिटेल बता दें। ये स्कूल बहुत अच्छा सवाल है जी, ये स्कूल ग्रेड 5 से शुरू होता है। जी सर। हमारी ग्रेड 5, 6, 7 ये प्रेपरेटरी क्लासेस हैं। जी सर। हम बच्चों को एडमिशन दे के उनको तैयार करते हैं आगे ओ लेवल कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के लिए और उसके बाद ए लेवल इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के लिए। इसी तरह हमारी ग्रेड 8 जो है वो प्री ओ लेवल है और ग्रेड 9, 10, 11 ये ओ लेवल कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है सर। और इसी तरह ग्रेड 12 और 13 एडवांस लेवल जो कि जिसको हम जनरली ए लेवल कहते हैं। ठीक है। थोड़ा सा ये बता दें कि ऐसे लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, जा रहे हर अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की हर किसी को ख्वाहिश होती है, तो इस स्कूल में एडमिशन के लिए कोई स्पेशलिटी, कोई स्पेशल मतलब तबका है या कोई भी बंदा? देखें, एडमिशन के लिए कोई भी इदारे में अप्रोच कर सकता है। ठीक है सर। हमारे जो एडमिशन हैं वो ग्रेड 5, 6, 7 और 8 में, ठीक है, इवन कुछ सीट्स जो हैं वो ग्रेड 9 में भी अवेलेबल होती है। ठीक है सर। तो हमारे यहाँ ना सिर्फ तमाम पाकिस्तान के एरिया से, बलोचिस्तान से लेके क्वेटा से, चागी से लेके गिलगित तक और कराची से लेकर पेशावर तक, हर शहर से, हर इलाके से, पाकिस्तान के कोने कोने से यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं, वो एडमिशन लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं है। जी सर। ये हमारा जो स्लोगन है वो ग्रूम टू सर्व है, यहाँ पे पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की जाती है। एकेडमिक्स के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स में स्विमिंग से लेके हॉर्स राइडिंग तक, बिल्कुल सर, और जो हमारे जो इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर ट्रेडिशनल गेम्स हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब में बच्चों को जो मतलब प्रोफेशनल कोचेज हैं वो ट्रेन करते हैं। एक पूरा बंदा निकलता है स्कूल से, परफेक्ट बंदा होके निकलता है। और स्पोर्ट्स के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज पे खास तवज्जो दी जाती है, बच्चों का जो लेटेंट हिडन पोटेंशियल होता है उसको ग्रूम किया जाता है। और उसके साथ साथ जो स्कूल की एक यूनिक चीज है वो लाइफ स्किल्स सिखाई जाती है, जैसे किचन गार्डनिंग स्किल है, कुकिंग है, इसी तरह ऑटोमोबाइल क्लब है, हेल्थ क्लब है, और उसके साथ साथ हमारी जलानी लिटरेरी सोसाइटी है जिसके अंदर हमारी डिबेटिंग क्लब है, हमारा म्यूजिक क्लब है, आर्ट क्लब है और लिटरेचर क्लब है, इंग्लिश और उर्दू दोनों। तो यहाँ पे एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव बच्चों को एजुकेशन, मतलब एक कम्प्लीट हर चीज बच्चों को यहाँ पे मिलेगी। एग्जैक्टली। और आपने देखा कि 200 एकड़ के ऊपर हमारे 8 हाउसेज हैं जहाँ पे बच्चे जो हैं वो फुली रेजिडेंशियल स्कूल है, यहाँ पे डे बोर्डर्स नहीं है। ठीक है सर। तो सारे बच्चे इधर रहते हैं और रात 9:30 बजे तक हमारे टीचर्स बच्चों के साथ होते हैं।
जबरदस्त। फर्स्ट टाइम उनको पढ़ाते हैं, इसी तरह सेकंड टाइम रिमेडियल क्लासेस होती हैं उन बच्चों के लिए जो कि किसी सब्जेक्ट में वीक हों। ठीक है सर। इसी तरह रात 3 आवर्स के लिए उनका अपना सेल्फ स्टडी टाइम होता है, लेकिन टीचर सुपरवाइज करने के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। चांदबाग स्कूल एक डिफरेंट एंटिटी है, डिफरेंट स्कूल है। ठीक है। जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे एकेडमिक्स सिर्फ यहाँ पे बच्चों को तालीम देना जो क्लासरूम के अंदर वो नहीं है, एक पूरा क्लास जी क्लासरूम की तालीम के साथ साथ बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म उनको दिए जाते हैं। एक बच्चा वो बहुत अच्छा पढ़ाई में नहीं है, लेकिन हो सकता है बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में हो, वो बहुत अच्छा मुकर्रर हो जी जी, वो बहुत अच्छा हॉर्स राइडर हो, स्विमर हो, जबरदस्त, वो किसी और चीज में आगे उसको निकल बच्चे सकता को आपने जांच लेना है कि इसमें कौन सी एबिलिटी है, सलाहियत है उसी फील्ड में, उसी फील्ड में ले जाए। ये नहीं है कि जी मैं मौलवी बनाना है तो मैं इंजीनियर बनाना है, मैं डॉक्टर बनाना है, जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे में टैलेंट को फाइंड आउट करते हैं और फिर बच्चे की डायरेक्शन जो है उस तरफ मोड़ देते हैं, जबरदस्त, कि वो जो उसकी स्ट्रेंथ है वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर चलते हुए अपने टैलेंट को ग्रूम करें। शुक्रिया सर, जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।